नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में बढ़ते कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर काफी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी इंदौर शहर में कई ऐसे वाहन प्रवेश कर रहे हैं जो कि यात्रियों को रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें निजी वाहन चालक इमरजेंसी सेवा के नाम पर यात्री परिवहन में प्रयोग कर रहे हैं। इंदौर के रीगल चौराहे पर महेश्वर सहित अन्य जिलों से 4 से 5 निजी वाहन दर्जन यात्रियों को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर पत्रकारों ने जागरूकता दिखाते हुए वाहन चालक से बातचीत की तो वाहन चालक का कहना था कि महेश्वर में अन्य राज्यों के काम करने के लिए आए थे, जिन्हें लॉकडाउन के चलते अपने राज्य लौटना था। उन्हीं यात्रियों से मामूली खर्च लेकर उन्हें छोड़ने के लिए वो इंदौर रेलवे स्टेशन आए हैं। यहां से रेलवे मार्केट के द्वारा अपने अन्य राज्यों तक पहुंच सकेंगे। तो वहीं जब वाहनों पर स्टिकर की चेकिंग की गई तो स्टिकर पर मेडिकल इमरजेंसी सहित अन्य इमरजेंसी सेवाओं के स्टिकर निजी वाहनों पर लगे पाए गए, जिसको लेकर वाहन चालकों का कहना था कि वो तो केवल वाहन चलाते हैं, वाहन निजी ट्रेवल्स के हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हें वाहन चलाने के लिए दिए जाते हैं और एक वाहन में स्वास्थ्य 8 लोगों और अन्य बच्चे भी बिठाकर यात्री वाहन का उपयोग कराया जा रहा है। खैर, सवाल ये उठता है कि सरकार पलायन को रोकने में लगी हुई है और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रही है। हाँ, एक और जिला प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार यात्री वाहनों पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी इस तरह से फर्जी इमरजेंसी सर्विस में लिखा करो निजी वाहनों का संचालन किस हद तक सही है, ये उन सभी मार्गों पर लगे पुलिस चेकिंग की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टाफ के नाम पे कौन सी कालाबाजारी कर रहा हो, कौन से अधिकारी ने आपको ये मेडिकल स्टोर पर्ची मेरी गाड़ी में नहीं लगी है और मैं तो लेबरों को छोड़ने आया हूँ। लखनऊ ही है, लखनऊ के ये साड़ी बनाने वाले हैं, महेश्वर में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, इन लोगों को रेलवे स्टेशन महेश्वर से छोड़ने आया। उनसे बात कर लो जरा, कहाँ से लिया, कितने पैसों में उठाया आपने? पैसे वैसे कहीं नहीं लिए, डीजल के पैसे लिए हैं इन लोगों से हमने। आपको मालूम है अभी ये सब कानून के आप लेकर आए, उसको लालच होगा? सर, लालच वालच कहीं नहीं, मजदूर लोग है फंसे हुए हैं इसलिए छोड़ने आया उनको। डीजल के पैसे भी क्यों लिए? तो डीजल के पैसे तो सर, डीजल गाड़ी घर की, डीजल थोड़ी घर का है सर, डीजल के पैसे तो लेंगे ना। नहीं नहीं, डीजल का ही को इंदौर क्यों आना था मेरे को? मैं तो मजदूरों को छोड़ने आया और डीजल के पैसे इन लोगों से लिए मैंने। मजदूर आए टोटल? मेरी गाड़ी में 6 मजदूर आए और 6 बच्चे, 12 लोग। बस 12 ही? हाँ, ज्यादा है। अब छोटे छोटे इतने गोद में बैठे वो बच्चे होंगे तो अलग बात, 6 सवारी 6 बच्चे हैं सर। हाँ जी सर, आपका नाम बताओ? सर, संतोष कुमार वर्मा नाम है मेरा। ट्रेवल्स की गाड़ी चला रहा हूँ। ट्रेवल्स नहीं सर, ये हमारा खुद का नाम सिर्फ लिखा हुआ है गाड़ियों पर, हमारे राजकमल लिखा हुआ है बस, उसके नाम से हमारी गाड़ी। तो सर आप बोल रहे थे कि हमारे सेठ से बात करो, ये ट्रेवल्स की? नहीं सर, मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरे सेठ से बात करो, मैंने सिर्फ ये किया कि सर ये नाम लिखा हुआ राजकमल के नाम से हमारी गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियां हैं वो बस। अच्छा, इसके अंदर जो एक मेडिकल स्टाफ की तुम्हारी गाड़ी पे पर्चा लगा हुआ, कौन से अधिकारी ने दी है? सर मेरी बात सुनो, हमको क्या रहता है, देखो सेठ लोगों को जो फोन लगा देता है मेडिसिन वाला कि भैया गाड़ी वहाँ चाहिए मेरे को और वहाँ से मेडिसिन लेके यहाँ पे आना है, उस हिसाब से वो पर्चा लगा हुआ। वो पर्चा किने बना के दिया हमको ये नहीं मालूम, बाकी ये बात तय है कि ना हमारे सेठ ने आवे तो वो पर्चा बनाया और ना हमने बना के लगाया उसके ऊपर। चाहो तो उसके अंदर आपके पास कैसे आया सर? गाड़ी चला रहा तो गाड़ी को चिपका के देंगे ना कि कोई पूछे तो भाई बताना। मेडिकल स्टोर में क्या अटैच है? नहीं सर, अटैच नहीं है, जैसे जरूरत पड़ती है जिनको वो गाड़ी लेकर अपने आते हैं यहाँ पे, और वो सिर्फ वो भी साथ में नहीं आते, वो सिर्फ बता देते हैं कि भैया उस जगह एड्रेस पे जाना है, मेडिसिन लाना। कितने रुपए लिए सर इनसे? 1200-1200 रुपए सिर्फ डीजल के लिए और कुछ नहीं हमने लिया। एक सवारी से 1200 रुपए? ना, एक सवारी से कहाँ से 1200 रुपए? अच्छा, टोटल भाड़ा ही 2800 रुपए बनता है अपने महेश्वर से यहाँ आकर टैक्सी में गाड़ी लेके आते हैं वो बता रहे हम आपको, बाकी हमने इनसे सिर्फ 1200-1200 रुपए डीजल डालने। सवारी थी तुम्हारी गाड़ी में? मेरी गाड़ी के अंदर 8 सवारी थी और करीबन 4 या 5 बच्चे थे। ठीक, टोटल 11+ की गाड़ी है सर। तो आप यहाँ इंदौर तक आए तो उनसे पैसे क्यों लिए आपने? सर गाड़ियाँ अपने घर की, मेरा नाम अमजद खान है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।